दोस्तों हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर देखा जाए तो जस्ट एक ऐसा कम्पिटेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है जिसमें जस्ट डिफीटिंग समवन है, नॉट विनिंग समवन है। यानी जब कोई बोलता है कि मैंने टॉप किया है तो इसका मतलब है कि बाकी सबको उसने पीछे छोड़ दिया है, उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है क्योंकि वो रेस में फर्स्ट आया है, क्योंकि उसने बाकी सब लोगों को हरा दिया है। तो जिस तरीके से कंडीशनिंग हो रही है, जिस तरीके से कंपैरिजन हो रहा है, जिस तरीके से एक कंपटीशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, इसमें सेल्फिशनेस क्रिएट की जा रही है ज़्यादातर अगर देखा जाए तो। यही लोग जब डिफरेंट फील्ड यानी डिफरेंट सेक्टर्स में जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वो अपना सेल्फ मोटिव को पहले रखते हैं, यानी प्रायोरिटी बेस पर वो अपने सेल्फ मोटिव को ही आगे रखते हैं। सिंपल ये कि वो कहते हैं कि मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ऑल दो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि सारी दुनिया ही ख़राब नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना काम सही तरीके से सरंजाम दे रहे हैं जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है। यहाँ पर एजुकेशन को क्रिटिसाइज़ करने का मेन मकसद ये है कि एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म क्रिएट किया जाए ताकि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो उन लोगों के लिए भी सोचे जो कसीर तादाद में डिग्री डिप्लोमा कर तो जाते हैं लेकिन उनको डेफिनेट फील्ड्स के में कुछ करने को मौका नहीं मिलता। यानी बहुत सारे रोज़ अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं जबकि कुछ ही लोग हैं जो कि सिलेक्टेड हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो इस एजुकेशन सिस्टम को बुनियाद ही से जब अंग्रेज़ों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो उन्होंने अपने मुफाद के लिए ही किया था, क्योंकि जब वो बड़े सगीर के ऊपर हुकूमत कर रहे थे तो उनको बहुत मुश्किल का सामना हो रहा था कि वो लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करें। वो क्योंकि उन्होंने निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए उनको लोगों की ज़रूरत थी तो उनको एजुकेट करना भी उनका वाहिद मकसद था। तो उन्होंने ही ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया है जो आज भी तकरीबन थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ चल रहा है। यानी आज भी उसमें इतना कोई बड़ा इनकलाब नहीं आया, इतने चेंजेस उसके अंदर नहीं आए, आज भी वो सिस्टम वैसे का वैसा चल रहा है। ऑल्दो एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, कुछ ऐसी इदारे हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम करते हैं, उनको मल्टी टैलेंटेड स्किल्स सिखाते हैं, उनको मल्टी डायमेंशनल तरीके से डिफरेंट तरीके से क्रिएटिव काम सिखाए जाते हैं ताकि वो आने वाली लाइफ के अंदर कुछ प्रैक्टिकल वर्क कर सकें। जबकि अक्सरियत अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को जस्ट बुक पकड़वा दिए जाते हैं, चाहे वो बुक्स उनको पसंद हो या ना हो, लेकिन उनसे कहा जाता है कि तुमने इसको रटना है। रटना है क्योंकि तुमने एग्ज़ाम्स पास करने हैं, और अगर तुमने एग्ज़ाम्स पास भी कर लिया तब भी तुम्हें क्या मिलने वाला है, तुम्हें अच्छे नंबर मिल जाएंगे, और अगर अच्छे नंबर मिल जाएंगे तो तुम्हें फ़लाँ मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। और अगर वहाँ पर एडमिशन मिल भी जाए तब वहाँ पर स्टूडेंट ने क्या करना होता है, वहाँ पर भी सेम यही बुक्स पकड़वा दिए जाते हैं और उन पर रट्टे लगवा दिए जाते हैं, और फिर जाके वो दोबारा से 4 साल 5 साल के एग्ज़ामिनेशन के बाद दोबारा से वो एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेते हैं। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद उनके हाथ में डिग्री आ जाती है जिसके बेस के ऊपर उनको जॉब मिल जाती है तो उनसे कहा जाता है कि तुमने सक्सेस हासिल कर ली है। अवल तो इस सिस्टम के अंदर सबको जॉब मिल नहीं पाती। आप देख लें कंपिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर ऑलमोस्ट कसरत से यानी 80-90% लोग ऐसे होते हैं जो कि सिलेक्ट नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेलेक्ट हो भी गए, आपको वो जॉब मिल भी गई जिसके लिए आपने कोशिश की है, तो आपको वहाँ पर सोचने का मौका नहीं मिल रहा होता, आपको आज़ादी नहीं होती, आपको अपने हिसाब से सोचने की अपने हिसाब से कुछ करने का बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती। आपको एक काम पकड़ा दिया जाता है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक बस यही काम करते रहना है और चुपचाप ये काम करना है, आपने किसी किस्म की क्वेश्चनिंग नहीं करनी, और इसी तरीके से आपने यस सर यस सर यस सर करके 60 साल पूरे कर देने होते हैं। अगर देखा जाए तो एजुकेशन का मेन मकसद यही नहीं है कि जस्ट आप एक नौकर बन के काम करें। एजुकेशन का मतलब यही होता है कि अगर किसी बंदे को कोई काम आता है तो आप उससे वो काम सीख लें। अगर आप उसको सीख लें और उसको प्रैक्टिकल, जिससे आपकी फाइनेंशियल हालत भी ठीक हो जाए और आप दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएँ। एजुकेशन का अगर मेन मकसद था तो वो इंसानियत की खिदमत थी, और इंसानियत की खिदमत वही बंदा कर सकता है जो कि क्रिएटिव होता है, जो कुछ कर जाता है। नहीं तो इंफॉर्मेशन तो भरी पड़ी है गूगल के अंदर, इस इंफॉर्मेशन का क्या फ़ायदा, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप किस तरह लोगों की ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तभी तो आप एजुकेटेड पर्सन है। नहीं तो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का और रटे लगाने का तो मेन मकसद कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, 80-90% जितने लोग हैं जो कि अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, उनके बारे में भी सोचा जाए, उनको भी कुछ ऐसे स्किल्स वगैरह सिखाए जाएँ ताकि वो भी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कुछ कर पाएँ। नहीं तो सोसाइटी के अंदर वो एक बोझ बन के रहते हैं। बहुत सारे लोग तो नशा शुरू कर देते हैं, चोरियाँ करना शुरू कर जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की तखरीबकारी में पड़ जाते हैं और सोसाइटी को और भी डैमेज करते हैं।
अब्दुल सत्तार ईदी ने भी यही अल्फाज कहे थे कि हमारे सिस्टम और हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ा मसला है वो इतनी बड़ी भरमार जो कि डिग्री होल्डर है लेकिन अनएजुकेटेड है, यानी डिग्री होने के बाद भी वो अनएजुकेटेड है, ना वो अपने लिए कुछ कर पाते हैं ना मुल्क के लिए कुछ पार पाएंगे। जाहिर सी बात है, जो बंदा अपने लिए नहीं कुछ कर सकता वो दूसरे के लिए क्या कर पाएगा। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, मैं इनको इल्तिजा करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन बिल्कुल दें। एजुकेशन ही उनके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर उनको इन्वायरमेंट मिलते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ते हैं, लेकिन उनको साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे बहुत सारे स्किल्स भी हैं। आज ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर इतना कुछ करने को है, जस्ट स्किल्स की ज़रूरत है। अगर उन स्किल्स को सीखा जाए तो आप घर बैठे लाखों की अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो ये है कि हमारे माइंड को कौन ये बताएगा कि हाँ ऐसा कुछ भी किया जा सकता है। अक्सर लोग तो इसको मानने को भी तैयार नहीं है। जब तक आप माइंडसेट को ठीक नहीं करेंगे, जब आपका माइंड उसकी तरफ आएगा ही नहीं, तब किस तरीके से आप सक्सेसफुल जिंदगी गुजार सकते हैं। तो खुदारा अपने और अपने मुल्क पर रहम करें और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। की हैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि इतना कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से गुजरने के बाद भी अगर आपने एक जॉब हासिल करनी है और इसी तरीके से पैसे कमाने हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, बिल्कुल कमाएं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट थोड़ा सा ओपन हो जाए तो आप इस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को बाईपास करके भी बहुत अच्छी लेवल की अर्निंग कर सकते हैं। बस माइंड खुलने की देर है। ये बात करने का मकसद ये है क्योंकि 10% लोग तो सेलेक्ट हो जाते हैं, जबकि 80-90% जो हमारे लोग हैं वो क्या कर पाएंगे। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए मेन तौर पर मैंने बनाई है कि वो लोग जो 80-90% लोग हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, और इवन के वो लोग खुद भी अपने बारे में नहीं सोचते और एक रेट रेस का हिस्सा बने हुए हैं, बस लालच में पड़े हुए होते हैं। और उनकी इस लालच को कैश कौन करता है? ये प्राइवेट इदारे जिनकी दुकानें इन्हीं लोगों से चमक रहे होते हैं जो कि 80-90% लोग होते हैं। क्योंकि 10% तो वैसे भी सेलेक्ट होते हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स रखते हैं, उनको अच्छा आ जाता है, उनको पेरेंट्स उसके ऊपर मेहनत करते हैं, लेकिन बाकी लोगों को ख्वाब दिखाए जाते हैं जिसकी वजह से उनका पैसा एनर्जी सब कुछ जाया चला जाता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाले भी अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो देखते समझते हैं कि यार फलां स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उनको ख्वाब दिखाए जाते हैं क्योंकि उन्होंने कमाना है ना, उनकी दुकानें तो ऐसे लोगों से ही चमक रही होती हैं। तो जितनी भी भीड़ है, जितनी भी जनता है, वो खुद भी नहीं सोचते और ना उनके सोचने के लिए कोई है। तो मेरा मकसद यही है कि मैं आप लोगों के लिए एक सिंसियरिटी के ऊपर आपको रखी हुई ये वीडियो बनाऊं, जो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक गुर्बत और मसाइल का शिकार हैं और बहुत सारा पैसा एनर्जी ज़ाया करने के बाद में उनके हाथ में जस्ट डिग्री रह जाती है और उनको कुछ नहीं मिल पाता। तो वो अगर अपने साथ स्किल्स को भी इम्प्रूव करें तो डेफिनेटली वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।